बन रही है वह है इंडिया का शेक्सपियर फिल्म का पोस्टर। मुंबई में फिल्म की पूरी टीम की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं पोस्टर बहुत ही कलरफुल नजर आया, जिसमें चार लोग नजर आ रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुरेश मंडल, किरदार निभा रहा हूँ उसका नाम है शेक्सपियर, छोटे शहर से। देखिए इस फिल्म के अंदर जो मैं किरदार निभा रहा हूँ, हकीकत में मेरी सोच मेरी समझ वैसी ही है। हालांकि मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ जो कि मेट्रो सिटी है, लेकिन एक इंसान की क्या सोच होनी चाहिए, सिंपल सोबर परिवार से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके माँ बाप कितने आपके लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत को रंग लाने के लिए एक बच्चे को जो करना चाहिए उसने वो इस फिल्म के अंदर मैं कर रहा हूँ। और बड़े ही रोचक फिल्म है, बड़े ही मनोरंजन है, बहुत सारा ह्यूमर है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और एक सस्पेंस है जो कि आप जब फिल्म को देखेंगे तब जाकर रिवील होगा और आपको इंशाल्लाह पसंद से। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आजकल हमें ऐसी फिल्में देखने को नहीं मिलती है। हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म के पीछे, बहुत समय तक इन्होंने इस फिल्म को लिखा है, इसके बारे में सोचा है और इसको पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। पूरी की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, छोटी सी टीम है हमारी और उनका सपना है इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने का। तो मैं स्टार कास्ट का बात किया जाए तो स्टार कास्ट तो मतलब सब नहीं है, हम टीम नहीं है, एक लेजेंडरी राजा मुराद जी है और उसके अलावा राज जी का ये सेकेंड मूवी है बॉलीवुड का, तो बस यही हम लोग सब इन कोऑर्डिनेशन एंड डू दिस। जहाँ पर शेक्सपियर है वहाँ पर ऑटोमेटिक लव होना ही चाहिए, तो ये भी उसी धारा का पिक्चर है। और मेन चीज़ तो ये है कि इसमें एक मैसेज भी है, मैसेज ये है कि नॉर्थ भारत में जो जिस हिसाब से दहेज प्रथा अभी हाहाकार मचा दिया वहाँ, और जिस हिसाब से दहेज प्रथा को लेके लोग दिन पर दिन आत्महत्या सुसाइड करता है, हैंगिंग करता है, अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे, आप देखिए यशोभूमि देखिए एटसेट्रा पेपर देखिए, तो सारा दिन कोई ना कोई सुसाइड केस आपको मिलेगा और वो भी दहेज का कारण। तो हमारा कोशिश यही है कि दहेज प्रथा रुक जाए और एक मतलब और इस पिक्चर का स्टोरी भी ऐसा ही है कि मतलब लव होता है और लव सेपरेट होता है, रीज़न है दहेज और ऐसी चीज़ें रोमांस है और उसके बाद आपका सस्पेंस है। तो हम कोशिश की कि सारा का सारा मसाला इसमें मतलब डालें। और ये फिल्म में मेरा एक बहुत ही अलग किरदार है नीलम नाम का, जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और फिर उसके लिए फैमिली के सामने फैमिली के अगेंस्ट होना पड़ता है और फिर कैसे उनके पेरेंट्स को मनाती है, ये सारी स्टोरीज में कवर अप की गई है। लाइफ से बिल्कुल मिलती जुलती स्टोरी नहीं थी, बट डायरेक्टर का और सबका कोऑपरेट, जो मेरे को आर्टिस्ट थे उन सबका कोऑपरेटिव इतना अच्छा था कि मुझे खास तैयारी नहीं करनी पड़ी। अच्छा, ये टीम तो मतलब बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में इस प्रकार की टीम मिलना, एक प्रोडक्शन हाउस एक यूनिट खड़ा करना, जैसे अपने आप में किस स्टेज से गुजरना पड़ता है इसके दौरान ही हमने देखा, क्योंकि मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूँ, एज ए डायरेक्शन में भी काफ़ी असिस्ट कर चुका हूँ और प्रोडक्शन हाउस का भी मैं एक सदस्य हूँ इसमें उसके नाते, तो काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे, काफ़ी अलग अलग जगह हम लोग ने शूट किया, कभी गुजरात गए, कभी झारखंड गए, कभी मुंबई में कुछ हिस्से शूट किए।